नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनगोठड़ी कला में, जहां वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए लोकसभा चुनाव में झुंझुनू ज़िले की, तो वोट प्रतिशत पिछली दफ़े से काफ़ी नीचे गया है। और बात करें पिलानी विधानसभा क्षेत्र की कुछ गांव की, जहां पर आज वोटों का पूर्ण बहिष्कार किया गया है और उसका असर काफ़ी गांव में देखने को मिला है। हमीनपुर में भी जीरो वोटिंग हुई है, वहीं हम बनगोठड़ी कला पहुंचे हैं, वहां पर भी 5:30 बजने को आ गए हैं और अभी तक एक भी वोट नहीं डला है। 4 बूथ हैं, चारों बूथ पे अभी जीरो वोटिंग हुई है। जो अधिकारी लोग हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने ज़रूर वोटिंग अपनी वोटिंग की है, लेकिन गांव के लोगों ने एक भी वोट नहीं डाला है। क्या पूरा माजरा इस गांव में, हम जानते हैं यहां के लोग हैं हमारे साथ में, क्या बात है आखिर क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं? पानी के लिए पानी नहीं है तो वोट नहीं। अच्छा, तो कोई अधिकारी लोग वगैरह आए हैं आपसे बात करने के लिए इस मामले में? आए थे। क्या बोले? अब शासन देते उससे काम कौन चले, पानी से काम चलेगा? जूठी सूस काम चल जाए रखे दे, गाड़ी तो बल्दा चल रही, ये चलाऊ सूस गाड़ी तो। यह समस्या तो काफ़ी टाइम से बनी है और काफ़ी साल से समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो हर वोटर है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो हर ग्रामवासी की, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में जहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम है उनके लिए, सबके लिए समस्या है। तो इस समस्या को लेके सरकार को चेतना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है शेखावटी में खास करके, क्योंकि हर बार ये नहर का मुद्दा लाते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इनकी मंशा के ऊपर जो वोटर हैं, ग्रामवासी हैं, उनको शंका है। अगर कुछ कर सकते हैं तो उनका बहुत जल्दी इस बात, अभी जैसे आप बता रहे हो वोटों की परसेंटेज कम हुई है, इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा और कोई निर्णय ठोस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होने वाला है। और गांव वालों का सर्वसहमति से एक ही निर्णय लिया है, जब तक जल नहीं तब तक कोई मत नहीं, हम हर वोटों का बहिष्कार करेंगे, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। यह सर्वसहमति से आज क्या काफ़ी दिनों से गांव वालों ने फैसला लिया हुआ है। तो इसलिए मैं तो सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इनके लिए नहर की व्यवस्था करोगे बहुत बढ़िया है, तब तक इनके पीने की व्यवस्था कर दो। काफ़ी लोग तरसते हैं, अभी गर्मी का सीज़न हो गया, अभी 700-800 रुपये टैंकर वाले मांग रहे हैं, तो ये गाँव वाले अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालना चाहिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप भी हमारी बात आगे तक पहुँचाएं। धन्यवाद। क्या कह रहा है बनगोठड़ी का युवा? बनगोठड़ी जल नहीं तो मत नहीं, यही है भाई। जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, 75 साल बाद भी आम आदमी को पीने का जल नहीं मिल रहा है, तो सब ये लोकतंत्र का बिल्कुल फेलियर है। और लोकतंत्र का ही नहीं, लोकतंत्र के साथ साथ न्यायपालिका भी फेलियर है। 2018 से पानी के लिए यमुना जल समझौते के लिए RTI लगा रखी है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के साथ न्यायपालिका भी फेलियर है। ये कह रहे हैं कि वोट डालिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। नहीं, ये बिल्कुल है। अगर आ जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो बोलते हैं कलेक्टर साहिब आई कि मत देना आपका अधिकार है, तो मत देना अगर अधिकार है तो पानी भी तो आदमी का मौलिक अधिकार है। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो बताओ मत का क्या करेगा, मत दे के भी क्या कर लेगा वो, 75 साल बाद के बाद भी आदमी को पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी सबसे बड़ी समस्या है, और युवाओं का क्या विचार है इस बार के चुनाव में? विचार है सर, बस पानी आएगा तो युवा भी साथ है, अभी बड़े बुजुर्ग जो हैं वही हमारा कहना है कि जल है तो कल है और जल है तो हिम्मत है। तो पानी के लिए काफ़ी गांव जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन सरकार जो है इनके पास, लोगों के पास पहुंच जरूर रही है लेकिन कोई ठोस कदम और ठोस आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। जो अधिकारी लोग आए थे वो कितना समय बता रहे थे पानी के लिए? अधिकारी समय तो सिर्फ ओनली आश्वासन देते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया किसी ने, बोले पानी आएगा। तो गांव वालों ने पूछा भाई पानी आएगा, उससे पहले हमारे पास टेम्परेली क्या है, मान ले आप पानी, आप लोग बोलते हैं 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, उससे पहले टेम्परेली हमारे पास पानी को देने के लिए क्या तरीका है, या हम 5 साल प्यासे ही बैठे रहेंगे? लोगों का ये जवाब, तो अधिकारियों के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है ठोस जो कोई कार्रवाई कर सके। भाई सिंचाई का पानी चलो बाद में, लेकिन पीने का पानी तो देना चाहिए कम से कम। पीने का पानी नहीं दे पाती जनता तो आटा कैसे लगाएगी, घर का काम कैसे चलेगा, जानवर पशु कैसे पालेंगे बेचारे? ये तो पानी पर सबसे मेन डिपेंड है। आटा बाद में होगा ना, पहले पानी होगा। गर्मी के अंदर पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कृषि पर निर्भर है और खेती का पानी बचा नहीं है, तो कैसे क्या चल रहा है? पास पास को साथ साथ कहीं का पानी कौन लगा है? दुखिया चार तो मैं खुद करा बैठे हूँ, हम घर पियोगे लोग को आगे हो गया कर्जो देश को,
आधी गली बंद हो रही है। ये जो प्रत्याशी जो खड़े हैं इनका कोई नुमाइंदा वगैरह बात करना आया कि? कोई नहीं आया आज तो, कोई नहीं आया, सब कोई नहीं आया। वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, वोट मांगने आए हैं लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए कोई नहीं आया। तो उनके सामने बात रखी तो उनका नहीं, क्या बात सामने रखी? आश्वासन है, आश्वासन के बिना कुछ नहीं है भाई। 2 साल 5 साल ये नहीं है, पीने की समस्या हुई है, सिंचाई की तो बाद की बात है, पीने की समस्या आई हुई है सब। तो आश्वासन से पेट भरने की कोशिश की गई? नहीं, यूँ है बट ठीक है, जो मूल बता सकता है बिजली पानी वो सरकार का काम है। बन कोई यूँ तो कहे को नहीं मारा, गेवा की बोर गिर के जाओ, बाजरी बोर गिर के जाओ, व्यत मत करो, लेकिन जो तारी जो जिम्मेदारी से जो मूल बहुत आवश्यकता से कम वह तो पूरी करो ताकि आम जनता परेशान नहीं हो। पीण को पानी मांगने को मतलब कोई कोई यूँ को नहीं, कोई विरोध से या कोई आंदोलन कर रहे हो, लेकिन नहीं माननी तो फिर यो आगे और बड़ो हो जाएगा। तो गांव के जो लोग हैं वो उन्होंने काफ़ी बार जो अधिकारी जो लोग हैं उनसे भी वार्तालाप की है, लेकिन वो वार्तालाप जो है वो विफल रही है। क्या विफल रहने का रीज़न क्या था? आपने काफ़ी बार बात की है प्रशासन से। रीज़न यही है कि पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, वैसे रोजगार भी नहीं है। एक खेती बाड़ी का ही रोजगार था, वो भी आजकल 3-3, 4-4, 5-5 कई कई 11-11 बोरिंग करवा रखे हैं। तो पानी की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से गवर्नमेंट को करनी चाहिए और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये बनगोठड़ी गांव के जो लोग हैं वो पानी की मांग को लेकर के यहाँ इससे पहले धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और सरकार के नुमाइंदे बात करने के लिए आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और आज जो है 5:30 बजे तक की वोटिंग यहाँ पर 0 रही है। मेरे सहयोगी निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।